हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और पूजा देखने में मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को भी सिलावदा टाउन घुमाऊंगा। आज मैं आपको सेल्फी पॉइंट दिखाऊंगा और केदारनाथ धाम माँ का पंडाल दिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो को एक सेकंड का भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए रोड में देखिए कितना आदमी, इतना क्राउड। देखिए ये माहौल रात 10 बजे का है। देखिए गाइस, अभी मैं रात को 10 बजे निकला हूँ और रात 10 बजे का माहौल है। देखिए इतना क्राउड, दूर देखिए और सामने में एकदम भयंकर भीड़ लगा हुआ है एकदम। ये देखिए सामने में किचन भी है, रॉयल किचन, क्या सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। देखिए तो फाइनली गाइस मैं सेल्फी पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए सेल्फी लेने के लिए लोगों का पूरा हुजूम लगा हुआ है। देखिए लाइन बाय लाइन आदमी लोग सेल्फी ले रहे हैं और देखिए कितना सुंदर तरीके से फूलों को डेकोरेट किया गया है। और देखिए ये भैंसपा के ऊपर, देखिए उसमें पूरा लाइटिंग लगाया गया है। भैंसपा जो पुराना भैंसपा होता है उसके ऊपर पूरा लाइटिंग लगाया गया है। और देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है, एक के बाद एक आदमी लोग, सभी आदमी लोग सेल्फी ले रहे हैं और मैं भी सेल्फी लेने में झुटूंगा नहीं। और आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से देखते रहेगा। सामने देखिए गाइस, रोड पे देखिए कितना आदमी है, बाप रे। आज नवमी का और लास्ट पूजा है ना, इसलिए भयंकर भीड़ है। और फाइनली गाइस मैंने भी सेल्फी पॉइंट पे चढ़ चुका हूँ। अभी भैंसपा पे चढ़ना बाकी है क्योंकि मेरा नंबर अभी आया नहीं है। पहले सेल्फी पॉइंट पे चढ़कर अपना सेल्फी ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे दोस्त को भी सेल्फी लेने लेते हैं। मेरे भैया भी सेल्फी ले चुके हैं। मेरा टाइम नंबर कब आएगा पता नहीं गाइस। तो फाइनली गाइस मेरा नंबर आ चुका है और मैं भी भैंसपा पे चढ़ चुका हूँ। आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, देखिए क्या सुंदर लग रहा है। देखिए नजर ना लगे भाई। सबसे पहले माता रानी को नमन, जय माता दी। और गाइस आप लोग देख पा रहे थे कि पेंडल को कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। और गाइस ये थर्माकोल का प्लेट से बनाया हुआ है। देखिए थर्माकोल का प्लेट और बाटी को कितना सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। Exclusive. फाइनली गाइस हम लोग केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। देखिए गाइस, देखिए पेंडल को कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप लोग पेंडल का पहले मजा लीजिए उसके। देखिए उस सामने में भगवान शिव जी है और शिव जी का वाहन भी सामने में है। देखिए गाइस, और देखिए कितना सुंदर तरीके से लाइटिंग भी दिया गया है और क्या मस्त लग रहा है। वो देखिए भगवान शिव जी और सामने में नंदी भगवान भी है। और देखिए चारों तरफ त्रिशूल, त्रिशूल सेम के साथ। और मैं आपको अभी अंदर लिए चलता हूँ। देखिए अंदर में भी देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है पंडाल को। देखिए देखिए अंदर में भी देखिए चारों तरफ जैसे बर्फ बर्फ से एकदम पूरा ढका हुआ। देखिए एकदम बर्फ से जैसे ढका हुआ। और इधर देखिए जैसे लटकते हैं ना, जैसे छोटा बूंदा बूंदी बर्फ का बूंदा बूंदी लटका हुआ, उस टाइप का बनाया हुआ है। देखिए कितना मस्त, और देखिए कितना मस्त व्यू लग रहा है रात को देखने। और लाइटिंग भी देखिए एकदम पूरा एक ए टू जेड सेम एकदम लाइटिंग किया हुआ है। देखिए और मस्त लग रहा है, आप लोग देखिए इंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए बाहर का देखिए कितना क्राउड भी देखिए, बहुत लोगों का देखिए क्राउड आए हैं। देखिए देख ये भयंकर भीड़ है बाहर का क्राउड, आप लोग देखिए। ओ माय गॉड, देखिए इतना आदमी देखिए। और
साथ में घर में भी मेला दे सकते हैं। ओ सर जी राम राम। आप तो टीवी देखा नहीं हो दुनिया में, क्या बात है, आपको देखा नहीं दो मामले। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गाइस आज मैंने आप लोग को सेल्फी पॉइंट और भगवान शिव जी का केदारनाथ धाम और माता रानी का दर्शन कराया। जय माता दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।